हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया हूं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर आपके घर के इर्द गिर्द में कोई जंगल है, झाड़ है, जहां से कीड़े और जो फ्लाइज है, मच्छर है, वो आपके घर के अंदर आते हैं, या फिर मार्केट में आपकी शॉप है और वहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आपके होटल वगैरह है, तो वहाँ की चीज़ों के लिए एक प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो है बगजैप कंपनी की तरफ से मॉस्किटो किलिंग लैम्प। और इस लैम्प की खास बात क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से अमेज़ॉन से मैंने इसको मंगवाया और इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के अंदर हमको ये मिला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या खास चीज़ें इसमें देखने को मिलती है सब हम देख लेते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है आप देख रहे हैं, और चलिए इस साइड से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमको इसका बॉक्स देखने को मिल रहा है, जो है बगजैप मॉस्किटो किलिंग लैंप, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मशीन हमारी यहाँ पर फोटो नज़र आ रहा है, इधर साइड में भी वही है, इधर भी हम देखें तो वही है, और मेड इन चाइना प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है, और इसके बार कोड वगैरह यहाँ पर दिए गए। बगजैप कंपनी की तरफ से एक कार्ड देखने को मिलता है, तो इस कार्ड के ऊपर एक साल की वारंटी आपको मिल रही है, सिर्फ आपको उसकी वारंटी रजिस्टर कराना है। एक आपको यूज़र मैनुअल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो है बगजैप कंपनी का, और मॉस्किटो किलिंग लैंप मैनुअल है ये, इसको कैसे यूज़ करना है आप इससे जान सकते हैं। इधर देखें तो हमको यहाँ पर एक चेन इसके साथ में देखने को मिल जाती है, तो कहीं पर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में हमारा जो मेन प्रोडक्ट, तो इस तरीके से आपको ये भी पन्नी के अंदर देखने को मिलता है। दो ब्रश आपको साथ में इसके मिल रहे हैं, तो इसके अंदर जब कीड़े मकोड़े आप साफ़ करेंगे तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और अमेज़ॉन का हमारा बिल है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमको ये देखने को मिलेगी मशीन जो है, तो हमारा जो लैंप है, और ओपन करने पे वाओ, देखने में काफ़ी अच्छा है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका हार्डवेयर देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि देखने में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और इसका केबल यहाँ पर इसके साथ में प्लास्टिक से यहाँ पर बंधा हुआ है, तो इस प्लास्टिक को हम काट के इसका केबल खोल लेते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको केबल देखने को मिलता है, केबल की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी, वायर वगैरह काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। इधर साइड में आप देखें फ्रेंड, तो आपको ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आप देख रहे हैं कि ऊपर साइड में आपको यहाँ पर एक जाली नज़र आ रही है, तो ये इसलिए दी गई है जब ये शुरू होगा तो आप अगर इसको हाथ भी रख देते हैं इसके ऊपर, तो आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपको करंट वगैरह कुछ भी लगने वाला नहीं है। साइड में हम देखें तो प्लास्टिक के ये दिए गए हैं, और यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरे ख्याल से ये मेटल का बना हुआ है ये, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अंदर से कोई भी चीज़ इसको टच नहीं होती है। इधर साइड में देखें तो वैसे ही है, अंदर आप देखें तो आपको एक जाली नज़र आ रही है, ये जाली के अंदर जो है तो करंट वगैरह दौड़ता है, जिससे ट्यूबलाइट शुरू होती है जब, तो कीड़े मकोड़े इसको अट्रैक्ट होकर इसके तरफ आते हैं और इसको टकरा के मारे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना ज़बरदस्त इस वर्किंग करती है कि इसके अंदर आपको टच टूच और इसकी उसकी आवाज़ ही नहीं आने वाली है एकदम, यानी ये समझ लीजिए कि नॉइस रिडक्शन हो जाएगा आपका, और आप अगर रात में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप आसानी से सो सकते हैं और ये अपना काम करते रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी डायमेंशन, इसकी साइज़ देख लेते हैं हम। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के आप इसको देखेंगे तो तकरीबन 8.85, यहाँ से आप देखेंगे ऊपर से लेके तो नीचे तक के यहाँ पर जो इसकी साइज़ दी गई है ये 7.08 है, लगभग 7 इंच की इसकी हाइट ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। इधर साइड में आप देखेंगे तो 2.25 इंच की हाइट यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी, इसकी जो चौड़ाई है ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके स्पेसिफिकेशन की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको जो चेन मिल रही है वो सस्पेंशन चेन है, यानी अगर वो हिलता वगैरह है तो उससे भी वो टूटेंगी नहीं। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर साइड में जो नज़र आ रहा है, तो ये एंटी माइक्रो कॉन्टैक्ट डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप इसको हाथ भी लगाते हैं तो पीछे साइड में कोई कॉन्टैक्ट आपका होने नहीं वाला है। हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक ग्रिड अंदर दी गई है जो ये है, तो हाई पावर इलेक्ट्रिक ग्रिड है, जिसको आप हाथ भी लगा देंगे तो टच नहीं कर पाएंगे, तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। फ्रेंड्स, इसको दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है, आप कहीं पर इसको इस तरीके से रख भी सकते हैं, और आप इसको चेन लगाकर कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेन लगा के दिखा देता हूँ। ये चेन इसके साथ में आती है, इसको हम खोल देते हैं। इस तरीके से फ्रेंड चेन हमको देखने को मिलती है, ये चेन हमको इसको इस यहाँ पर लगा देना है। इधर से डालने के बाद इसको हमको ऐसे दबाना है, और देखिए कितना ईजिली मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया हूँ। यहाँ डालने के बाद हमको क्या करना है कि हमारी चेन भी यहाँ पर इसको लगा देना है। देखिए बहुत ही सिंपली मैंने एक साइड की चेन इसकी लगा दिया, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। ये चेन लगाने का तरीका ये, इसको यहाँ से प्रेस कीजिए तो खुद ही लग जाएंगी, और ये लगने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर अंदर डालना है इसको। काफ़ी मज़बूत और अच्छी क्वालिटी की चेन इसमें दी गई है, देखिए यहाँ पर हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से आप इसको आसानी से हैंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर
कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके रूम के अंदर लगा सकते हैं आप, या आपके जो गार्डन वगैरह है उसके अंदर आप लगा सकते हैं, कहीं झाड़ वगैरह वह ज़्यादा है आपके, वहाँ कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं वहाँ लगा सकते हैं, होटल में लगा सकते हैं, मार्केट में आपकी शॉप है वहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे मॉस्किटो किलर लैम्प को हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो केबल है इसका, केबल यहाँ पर हमको लगा देना है, केबल मैंने लगा दिया और साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑन ऑफ़ का बटन यहाँ पर दिया गया है, तो ये देखिए ऑन हो चुका है और ये ऑफ़ हो चुका है। तो हमको इसको ऑन करके इस तरीके से छोड़ देना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दो लाइट अंदर नज़र आ रही है, देखिए आप, मैं इसके ऊपर हाथ घुमा रहा हूँ तो कोई आपको कोई से यानी कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आपका हाथ अंदर टच ही नहीं होगा, कोई बच्चा भी अगर इसको हाथ लगा लेता है तो कोई प्रॉब्लम इसमें होने नहीं वाली है। और जो मॉस्किटोज़ है, कीड़े वगैरह है, वो ये लाइट को देख के अट्रैक्ट होते हैं और इसकी तरफ आते हैं, जैसे ही वो इसके जाकर टकराएंगे तो वैसे ही वो मारे जाएंगे और उनकी आवाज़ वगैरह भी नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पावर इसके अंदर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो मॉस्किटो किलर लैम्प है इसका वेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रख दिया ऊपर और लगभग लगभग जो है तो 550 ग्राम तक के इसका वेट चले जाएगा, क्योंकि वायर साइड में है तो वायर को भी इसके ऊपर रख दे रहा हूँ मैं। और आप देख रहे हैं कि 578 यानी 578 ग्राम्स का टोटल वज़न आ रहा है। फ्रेंड्स, साथ में आपको दो ब्रश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वह इररेसिस्टिबल मॉस्किटो अट्रैक्शन है, यानी मॉस्किटो को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और ये मार देता है। और इसके अंदर जो आसपास के अंदर ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि सारे कीड़े मकोड़े सब इसकी तरफ आएंगे और मारे जाएंगे, तो आप इसको शॉप वगैरह पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अनबीटेबल मॉस्किटो एलिमिनेटर है, यानी अगर यहाँ पर मॉस्किटो आ जाता है तो डेफिनेटली वो मारा जाएगा, यहाँ से बच कर नहीं जाएगा, इतना पावरफुल ये मशीन है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली काम करता है, नॉइस अल्ट्रा क्वाइट इसके अंदर यूज़ किया गया है, यानी मॉस्किटो किलर लैम्प है और खाली ये 45 dB के ऊपर काम करता है, यानी जो हर्ट्स होते हैं, जो साउंड के हर्ट्स होते हैं, तो उसमें सिर्फ ये 45 के ऊपर dB पर काम करता है, जिसकी वजह से आप नाइट के अंदर, मॉर्निंग के अंदर आसानी से सो सकते हैं, अपने कामकाज कर सकते हैं और आपको कोई डिस्टर्बेंस भी इसके अंदर नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है और कम कीमत के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको अब टेस्ट करके बताता हूँ तो कैसे ये वर्क कर रहा है, हम इसको देख लेते हैं।